1, 2, 3, come on. तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज हमारी लाइट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं किस चीज़ का लोड ले रही है। बार बार जो MCB हो ना वो गिर रही है, बार बार गिर रही है। पर अब की बार मुझे पता नहीं कि सचमुच में MCB गिर गई है या फिर MCB बोलते हैं, MC मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं वही, तो बार बार गिर रही है, पता नहीं क्यों गिर रही है। ये रूम हीटर की वजह से गिर रही है या पानी गर्म करने वाली रॉड तो अब लगी नहीं है, शायद रूम हीटर की वजह से या इन्वर्टर की वजह से, क्योंकि इन्वर्टर में से भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। अब अनिल चले गए ऑफिस में, बार बार जाना पड़ रहा है, जीने के पास है तो उसको सही करके आना पड़ रहा है। तो बस अब मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ लंच। और लंच में मैंने और लक्ष्य ने डिसाइड किया है कि हम लोग बनाने वाले हैं पोहा मटर वाले, तो आप लोग साथ शेयर नहीं करूँगी, जब बन जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी कि मैं किस तरीके से पोहा की रेसिपी बना, मतलब मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को 2-3 तरीके से बनाती हूँ। तो बस आज पोहा खाने का मन है, ऐसा नहीं है पोहा से ही लंच हो जाएगा। देखो मेरा तो हो जाता है, पर लक्ष्य को भूख लगती है, ठीक है, मेरी तबीयत खराब है तो मैं कम ही खाती हूँ, पर लक्ष्य को लगती है तो वो नमकीन भी, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, वो सारे दिन चटरपटर करता रहता है। अगर बोलेगा तो उसके लिए फिर मुझे कुछ पराठे वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो तब तक बनाऊँगी मैं पोहा। तो झटपट से पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं लाइट देखने जाती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ पोहा। और आज बहुत बड़ा टास्क है, अभी मेरा सिर में दर्द होने लगा है इसको देखते देखते घर में, तो ये पूरी चेयर भरी पड़ी है। कल से कपड़ों को तय लगाना है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो कोई भी काम टाइम से नहीं होते, बट कोई बात नहीं है। पहले मुझे टेंशन रहती थी कि अरे ये काम मुझे टाइम से ही करना है, ये करना है वो करना है, अब तबीयत खराब है तब से ऐसा फील होता है कि यार मैं कहाँ जा रही हूँ या कपड़े कहाँ जा रहे हैं, आराम से कर लूँगी, क्योंकि तबीयत पहले है, सबसे पहले तबीयत है, टाइम से दवाई लेना है, सब कुछ है। तो उस दवाई मैंने ले ली है, उसके बाद मैं पोहा खा के भी दवाई लूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, मतलब पोहा का लुक तो दिखा दूँगी। तो फाइनली हमारे पोहा बनके हो चुके हैं तैयार, मैंने लक्ष्य को भी दे दिया है और अभी मैं खाने जा रही हूँ। मुझे कच्ची प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, नमकीन डालना ज़्यादा पसंद नहीं है, मूंगफली के दाने भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट लक्ष्य की वजह से मुझे डालने पड़ते हैं और कच्ची प्याज के बिना तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, और अब मेरे से रुका नहीं जा रहा। और आज मैंने इसमें 2 चीज़ें और ऐड की हैं, थोड़ी सी मटर एंड आलू भी ऐड की है मैंने आज इसमें, आलू भी ऐड किए हैं, आलू आपको नहीं दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बारीक कटे हुए आलू भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा हो तो आप लोग भी खा लीजिए बना के। गुड मॉर्निंग। तो हमारा कल से ना नेट नहीं आ रहा है, वाईफाई आ नहीं रहा है, तो ये भैया आए हैं सही करने के लिए, क्योंकि रात में हमने कंप्लेन करी थी तो रात में तो आ नहीं सकते, तो सुबह आए हैं ये, और नेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो लक्ष्य की क्लासेज भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो अनिल के फ़ोन से वाईफाई करके क्लासेज कर रहा है अभी, और अनिल यहाँ पे खड़े हुए हैं नहाने के लिए जा रहे हैं, बट सारे काम पेंडिंग में डले हैं इस नेट के चक्कर में, कोई सी चीज़ की आदत हो जाती है तो ऐसा ही होता है। और मेरा ब्लॉग भी पेंडिंग में डला है, अगर वो जैसे ही नेट आ जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी। और लक्ष्य यहाँ पर वेट कर रहा है क्योंकि अनिल के फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो चुका है। और आज मैंने बनाई हुई है आलू गोभी की सब्ज़ी, और कितनी टेस्टी लग रही है ना, बहुत टेस्टी बनी थी, सीरियसली बहुत टेस्टी। तो फाइनली हमारा इंटरनेट चल गया है और अभी ये मेरे लिए लेके आए, सुबह देखो सुबह मुझे नारियल पानी पीना था और ये लेके आए अब इस टाइम पे। और क्या लेके आया, अमरूद और ऑरेंज नहीं लेके आए, क्यों मिल नहीं रहे थे अच्छे, अच्छा वहीं से लेके आए नारियल पानी जहाँ से मैं पीती थी। टिफिन आपका तैयार हो चुका है, ठीक है, तैयार है जानू, सब्जी ठंडी करने रखी है तो मैंने उसका अभी पैक नहीं किया, ठीक है जानू, थैंक यू इतनी सेवा, वैसे मुझे पसंद नहीं है यार ये जबरदस्ती पीना पड़ रहा है डॉक्टर के बोलने के बाद। सेवा का नाम मत लेना, मेरे बाबा का नाम है। सॉरी सॉरी, इंटरनेट कल से नहीं आ रहा था, रात से अब फाइनली अब चला है। इन्होंने बोला था लेने गए थे कि भैया तभी जाना जब चला के जाना हो तभी, ये क्या है मेरा ATM क्या आपका, रिपोर्ट्स आ गई मेरी, डॉक्टर को भेजी तुमने, तो भेजना कब, कब भेजोगे, अरे यार रिपोर्ट्स आ गए, मैं कैसे पीऊँ पानी, सब नॉर्मल है पक्का, डॉक्टर तुम क्या डॉक्टर थोड़ी हो, तो पढ़ना आता है तो इसका ये मत, आजकल रिपोर्ट्स में लिखा रहता है कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अरे राम राम, पता नहीं नारियल पानी लोगों को क्यों पसंद होता है, मुझे तो पसंद होता नहीं है, ये पानी की कमी के कारण मुझे ये पीना पड़ रहा है, नहीं है कि है नहीं,
मतलब मुझे पसंद नहीं आया। तो बोलना तो सीखो कम से कम, ब्लॉगिंग कर रही हो पिछले एक साल से। यार तुम इंसल्ट करने पर लगे रहते हो यार। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम नहीं बोल पाते, वो इसका पति बोल रहा है। तो अभी लक्ष्य के चल रहे हैं क्लासेज और वो पी रहा है नारियल पानी। कैसा लगता है बेबी आपको? अच्छा। पर इसको बस मेरी होड़ करनी है, मतलब मुझे जो खाना है जो इसको खाना है। इसको पहले अच्छा ही नहीं लगता था, अब कैसे अच्छा लगने लगा? हाँ क्लास कब तक खत्म होंगे, कितना टाइम लगेगा? 2 बजे होंगे। चलो ठीक है, जल्दी पियोला फेंक दूँ उसको मैं। तो ये लेके आए हैं अमरूद, और ये तो चले गए ऑफिस, तो मैं आई हूँ देख रही हूँ इनको वॉश करूंगी। तो सारे अमरूद ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि आजकल मुझे कच्चे ही पसंद है, क्योंकि ज्यादा पके हैं उनमें कीड़े निकल रहे हैं। बट ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि अच्छा निकलेगा। शक्ल इसकी ऐसी है, इस बंदे को जरा भी समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज कैसी है। मैंने 1/2 किलो लाने की बोला था, क्योंकि फिर ये ज्यादा रखे रखे ना फिर नुकसान करते, ताजे सही रहते हैं। तो डेली नारियल पानी आएगा तो डेली अमरूद भी आ सकते हैं, बट इनको कौन समझाए, इनकी इंसल्ट हो जाएगी अगर 1/2 किलो लेके आएंगे तो। लाना 1 किलो ही है, मुझे तो ये 1 किलो से भी ज्यादा लग रहे हैं, पता नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म और यहाँ पे बन रही है चाय, और आज बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बहुत टाइम लगाती है, तो मैंने यहाँ पे पतीला ले लिया है, ये 2 पैकेट छाछ के ले लिए, तो इसमें बस अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। साथ में ये बनेंगे और साथ में ही बनेगी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी में उबाल आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए चलो बना लेते हैं कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। तो भाई साहब अब यहाँ पर हमारी कढ़ी बन रही है, उबाल आ रहा है इसमें बहुत भयंकर वाला, और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी कम कढ़ी बना रही हूँ तो कम ही पकौड़ियाँ बनाऊंगी। ये सरसों के तेल में बनाऊंगी पकौड़ियाँ, और मैंने धनिया पत्ती कट करके रख ली हैं, और ये मैंने कुकर में चावल रख दिए हैं, तो जैसे ही मेरी पकौड़ियाँ बन जाएंगी तो मैं चावल चढ़ा दूंगी और लास्ट में डाल दूंगी धनिया पत्ती कट करके। तो ये मैंने वॉश कर ली अच्छे से साफ करके, तो इनको मैं रख देती हूँ। हमारा तेल निकल चुका है, तो चलो पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो फाइनली हमारी कढ़ी बन के हो चुकी है तैयार, बर्तन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आसपास ऐसा ही होता है। और इसमें मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है, और जो हरी मिर्ची आपको दिखी थी ना वो अनिल के लिए डाली हुई है, और इसमें मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं, और साथ में हो रहे हैं यहाँ पे चावल, और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियाँ। तो पहले मैं घर का जो काम है थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ, तो रोटियाँ तो गर्मा गर्म ही बनेंगी। तो अनिल का टिफिन हो चुका है तैयार, और अनिल गए हैं नारियल पानी लेने के लिए, और लो आ भी गए, आ भी गए। चलो चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू। और ये वाला मास्क क्यों लगाया है? ठीक है चलो, इनको ऑफिस के लिए मैं विदा कर दूँ, उसके बाद फिर और काम है वो मुझे करने हैं। और अभी हाथ देख सकते हो आटे के हैं, साफ नहीं करे मैंने, करती हूँ। लो अपना टिफिन। तो ये लेके आए हैं मेरे लिए गाजर का हलवा, अभी रात का समय हो रहा है। ये क्यों लेके आए हो? हमारे घर में कटोरी नहीं थी। इसका लुक तो दिखा दो, कैसा लग रहा है? गर्मा गर्म है क्या? गर्मा गर्म है, हैं? गर्म है। और मैं ये इसलिए लाया हूँ प्लेट्स और चम्मच, ताकि ये गंदी हो जाएंगी तो तुम्हें साफ नहीं करनी पड़ेगी भरी ठंड में, इसलिए। ओहो इतनी चिंता है, तो फिर डेली पत्तल भी लाओ खाना खाने के लिए। आऊंगा मैं, वो भी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है कोई। डेकोरेट कर दिया टेस्टी का, पता नहीं कैसा है। टेस्ट तो तुमने खाया ही होगा, कैसा लगता है वैसे ही। नहीं उस दिन जो लाए थे ना उस दिन अच्छा था, और ये लेके आए चाउमीन, इतनी सारी चाउमीन मैं तो बिल्कुल खाऊंगी नहीं एक चम्मच। मना है ना? अरे डॉक्टर ने मना किया मुझे चाइनीज फूड खाने के लिए, लेकिन ये हम मैंने खाऊंगी भी नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा ना खाने का। आप अब टेस्ट कर सकते हो। ये लो। चलो दोस्तों आप आओ गाजर का हलवा खाओ, मैं खा रही हूँ। टेस्ट कराऊं? हाँ हाँ कराओ कराओ, हाँ कराओ मुझे तो मैं... कैमरा मेरे। अरे एड्रेस नहीं है। हाँ अच्छा ड्राई फ्रूट जा डले हैं, मतलब उससे भी परेशानी है। मुझे पसंद कहाँ ड्राई फ्रूट, तो अलग निकाल देना हम खा लें। हाँ हाँ तो पहले मैं इसको खा लूँ उसके बाद रोटियाँ बनाऊँ। रोटियाँ अब देखी जाएगी, अब इसमें जरूरत पड़ेगी या नहीं। देखी जाएगी मतलब अब ये खा लेंगे तो क्या पता जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों बाप बेटे खाएंगे चाउमीन, मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा। लग रहा है मैंने उसको हाफ बोला था, उसने फुल रख दिया। तो पैसे भी तो फुल के लिए होंगे, इतना नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाफ के कसम से, हाफ है। कितने रुपए? 30 रुपए। क्या बात कर रहे हो,
फूल दिया है उसने, वो तो फूल दिख ही रहा है, वो तो फूल है वो तो। आए भाई साहब तो उसको मैं कल दे आऊंगा, कल दे के आना ठीक है। ठीक है चलो, ओके थैंक यू। चलो मैं खा लेती हूँ हलवा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग डरना नहीं, मैंने लगाया हुआ है ये चारकोल फेस मास्क, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था तो मैंने लगाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज लगा लिया जाए। तो अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया है, सारा काम होना बाकी है, तो चलो लग जाते हैं काम पे हम लोग। थोड़े बर्तन भी डले हैं, झाड़ू पोछा भी लगाना है, और इयररिंग्स मैंने निकाल दिए हैं, बालों में मैंने हेयर बैंड लगा लिया है, और आज मुझे रात में हेयर ऑयलिंग भी करनी है, तो मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, फिर कल मैं करूँगी अपने हेयर वॉश। तो चलिए, सर्दियाँ थोड़ी कम लग रही हैं आज मुझे, काफ़ी अच्छा है यार, स्किन अच्छी हो जाती है इससे, बहुत टाइम हो गया ना इसलिए। हेलो एवरीवन, तो आज मैंने लगाया हुआ था चारकोल फेस मास्क, तो मेरा फेस चमक रहा है, देखो देखो स्मूथ स्मूथ लग रहा है। मैंने कोल फेस मास्क लगाया था कोई नहीं लगाया इन्होंने, मेरा ये बिल्कुल काला पड़ गया क्यों इन्होंने कोई नहीं लगाया, और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, बस फिर डिनर में लंच वगैरह कर लिया। अपने आप को जब से गोरा समझ रहा था, और इनके सामने आते से मेरा रंग फीका पड़ गया है। तो ये मान लो कि आप मेरे से थोड़े से काले हो, ठीक है, तो मतलब मैं अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद लगाया था, तो स्किन की अब मैंने केयर करना स्टार्ट कर दी है, तो स्मूथ स्मूथ स्किन हो गई है मेरी, बहुत अच्छी हो गई है। और पता है फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, और आजकल ऐसा ही हो रहा है, रेगुलर ब्लॉग शूट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ तबीयत की वजह से। और इसी पर एक मुझे कमेंट आ गया था, तो चलो मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज मतलब कल जो वीडियो था ना, 24 तारीख को मैं गई थी बाहर डिनर करने के लिए, हम लोग गए थे, तो उस वीडियो को मैंने 25 तारीख को अपलोड किया, यानी क्रिसमस वाले दिन अपलोड कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने आज कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, यानी कि 26 तारीख को ये वीडियो जाएगा मेरा कल, यानी 27 को जाएगा, ठीक है। तो क्या था, मैं गांव गई थी तो मेरे रेगुलर मतलब मेरे वो आ ही नहीं रहे थे वीडियो, क्योंकि गाँव में कभी भी जाती हूँ तो मेरे ब्लॉग काफ़ी मतलब लेट हो जाते हैं, तो मुझे कमेंट भी आते हैं कि मतलब लेटेस्ट ब्लॉग्स कब से आएंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना वो बोलते हैं कि दीदी, उनको समझ में आता है, उनको पता भी रहता है, मैं बोल भी देती हूँ कि भाई मैं गांव में जाती हूँ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और ये तो है नहीं सिर्फ ब्लॉगिंग करो और एडिटिंग करो डाल दो और कोई काम ना हो, तो घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, इधर उधर जाना आना भी होता है, तो नहीं हो पाता है। अब लड़के होते तो लड़कों के पास क्या काम होते हैं, मतलब हमारे पास कोई काम नहीं होता हमारे पास सिर्फ एक ही काम है कि इनके ताने सुनना है, इनकी बातें सुनना है, और ये कुछ भी गलत बोले तो वो मतलब हाँ आप नहीं, सही हो, बिल्कुल नहीं, नहीं, सही हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़कियां घर में बहुत बिजी हो जाती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था, मैं समझ तो एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तरीके से समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सारे ब्लॉग जब से मेरे यहाँ मतलब ब्लॉग आना स्टार्ट हुए हैं तो मैं यहीं पे आ गई थी ना, उसके बाद से मेरे ब्लॉग आना स्टार्ट हुए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है, आप पहले ये कमेंट पढ़ लीजिए, जिस कमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कमेंट पहले आप कमेंट पढ़ लीजिए, इसका फिर मैं रिप्लाई करूं। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप नौटंकी क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा ब्लॉग दो दिन पहले गया था हॉस्पिटल में, इनको चेक कराने ले गया, लेकिन था वो ब्लॉग काफी वो ब्लॉग लेकिन थोड़ा 8-10 दिन पुराना, 7 हफ्ते भर पुराना था, हफ्ते भर पुराना था, तो किसी सब्सक्राइबर को लगा कि पता नहीं वो सब्सक्राइबर है या नहीं, क्यों कर रही हो मुझे नहीं पता कि ये तुम कल तो बीमार थी आज घूमने जा रही हो, कल तो तुम्हारे टेस्ट हो रहे थे, इतना भी पागल मत बनाओ। तो देखो मैडम मैं एक बात बता देता हूँ, हर चीज हॉस्पिटलाइज होने से या घर में बैठने से या बेड पे पड़े रहने से ही टेस्ट नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो किसी को जी घबरा रहा है या घबराहट हो रही है तो उसमें भी दिखाने जाता है, तो आदमी नॉर्मली भी टेस्ट करा लेते हैं, और हो सकता है 2-4 घंटे बाद अच्छा फील करने लगता है तो घूमने का मन करता है, तो घूमना भी चाहिए, अच्छा मन करेगा तो बीमार भी नहीं होगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं जो कल टेस्ट करा के आ रहा है तो वो कल घूमने भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो और हो सकता है हम नाटक कर रहे हो, पर हमें इतना भी नाटक नहीं करना कि फालतू के पैसे टेस्ट कराने के लिए मतलब 6,000 रुपए उससे बढ़िया तो हम घूमने नहीं चले जाएंगे। और आपको पता है कि मेरे को तो ये हॉस्पिटल जाना और ये मतलब फालतू के पैसे, मतलब मैं हमेशा बोलती हूं किसी को भी अच्छा नहीं लगता, नहीं, 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 पता है मैं हॉस्पिटल वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैं एक दो बार बोल देती हूँ कि आपके पैसे चले गए आज तो आपके पैसे जाएंगे, तो अनिल मुझे यही बोलते हैं कि तुम बार बार पैसों की क्यों बोलती हूँ, मैं पैसों की इसलिए बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा जो पैसे मुझे खटकते हैं ना वो हॉस्पिटल वाले खटकते हैं,
क्योंकि वहाँ पे बेवजह आपके पैसे चले जाते हैं और वो बेवजह नहीं जाते, ये यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो। मतलब वो बेवजह कैसे? अरे मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपन थोड़े बीमार हुए, जो आदमी बीमार है बीमार से अच्छा होगा तो वो बेवजह नहीं है, बेवजह वो है जो पिज्जा खाने जाने, दो रोटी खाओ अपना सो जाओ। अरे मतलब मेरा मतलब ये कि अगर हम बीमार ना होते, अगर हमें थोड़ी भी तकलीफ ना होती तो हम हॉस्पिटल भी नहीं आते और हमें ये सब न करवाना पड़ता और हॉस्पिटल पैसे का पिज्जा खा लेते नहीं और शॉपिंग कर लेते, ठीक है। तो वो क्या है कि तो मतलब फिजूल है, नहीं तो वो शॉपिंग कर लेते यार, शॉपिंग के लिए कम से कम कपड़े वो हमारे पास रहेंगे तो हमेशा याद रहेंगे। शॉपिंग और घूमने के चक्कर में ही तो वो कमेंट आ गया। इन्होंने बोला कि घूमने चलते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूं 8 दिन पहले का ब्लॉग था जो हॉस्पिटल वाला था ना, आपने अगर रील्स देखी होगी मेरी तो रील्स भी मैंने 3 दिन बाद डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, बल्कि वो 8 दिन पुराना हॉस्पिटल वाला था। नहीं, जो भी है वो डेट इधर उधर हो ना हो, हाँ। एक दिन पुरानी हो या लगातार हो, अगर कोई बंदा टेस्ट कराने जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अब वो बेड पे गया 12 दिन अब बेड पे रहेगा, कहीं घूमने नहीं जाएगा। अगर वो घूमने गया तो नाटक कर रहा है, अगर ऐसा किया तो नाटक कर रहा है। तो भैया आपसे हमारा यही कहना है कि शायद आपको ये लगता है कि या तो आप बहानेबाज हो, जिसने भी ये कमेंट किया है उसको लगता है कि जो हॉस्पिटल दिखाने गया तो अब 10-12 दिन की छुट्टी, तो ऐसे लोग तो वही होते हैं जो बहानेबाज होते हैं कि क्योंकि मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे टेस्ट हुए हैं और मैं 15 दिन तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं आपको बता दूं तो ऐसा नहीं होता। मैं घर से आई थी ना तब मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया 5-5 दिन के। आप निशी ने कमेंट किया था कि दीदी आपके एक ब्लॉग में आपने कितनी बार चाय बनाई है, तो मैं उसमें लिखा था नेक्स्ट डे। तो मेरे इतने ब्लॉग थे कि कभी कभी मेरा मन भी नहीं करता था ना, और आजकल हमको टाइम भी नहीं मिल रहा है एक्चुअली, सही बताएं। ठीक है, मतलब तबीयत की वजह से मैं नहीं कर रही थी ब्लॉग शूट, मैं घर से आया हुआ, मैं बहुत टाइम हो गया, तो मैं थोड़ी थोड़ी आपने देखा हो घर से आने के बाद 2-3 ब्लॉग ही गए हैं यहाँ के, क्योंकि मैं रेगुलर कर ही नहीं रही हूँ, मतलब ब्लॉग्स में शूट ही नहीं कर रही हूँ इस वजह से। तो होता है कभी कभी, किसी को शौक नहीं होता यार। एक बात और आपको बता दूं, मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैंने शूट भी नहीं किया, आपको पता कितनी खराब थी, मतलब रात रात भर मैं सोई नहीं हूँ, एक भी एक या दो, मतलब मैं रात रात भर सोई नहीं हूँ, मतलब मैं बैठी रहती थी रात रात भर, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, उसके बावजूद सुबह उठ के काम मैं ही करती थी। तो मतलब इस बात का इनाम मैंने अभी राष्ट्रपति और मोदी जी को भेजा है लेटर, वो शायद अगले सत्र में इनको ये मेरी हेल्प करवाते हैं मतलब, लेकिन इनको ऑफिस भी जाना होता है, तो एक दो दिन तो ये ऑफिस नहीं गए थे, घर से ही किया था, उस टाइम पे तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, लेकिन काम फिर मैंने ही किया, चाहे लेट हो चाहे मतलब जल्दी हो, लेकिन काम मैंने ही किया। तो अगर आप अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो फिर लोग इतना भी बोल सकते हैं कि आप तो बीमार थी फिर काम क्यों कर रही हो, क्योंकि मुझे पता है ना, ये तो हो सकता है क्योंकि मुझे पता है ना यार कि मेरे घर पे काम करने वाला जिसने बोला है वो, मैंने वही तो बोला, जिसने बोला है ना वो यही कहता अरे अब तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, अब काम नहीं कर पाऊंगा मैं 12 दिन तो मैं बिल्कुल उठूंगा नहीं, चम्मच भी नहीं उठाऊंगा, मेरे मुंह में डाल दो। तो अब सुन लो, अब मैं यही करूंगी, अब मैं उठूंगी नहीं। तो अच्छी बात है। तो होता है ऐसा, तो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है भाई, अब आप लोगों की सोच हम बदल नहीं सकते ना, कि आप क्या सोचते हो हमारे बारे में, है ना, तो बदल नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं। तो मैंने भी ना वो कमेंट में हो सकता था, वैसे मेरे मतलब ब्लॉग्स पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, बट मैं चाहती थी तो डिलीट भी कर सकती थी, बट मुझे उनका रिप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो जरूर बताना, नहीं देखा हो तो जरूर देखना। वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया था कमेंट कि उन्होंने क्या कमेंट और किया, इनके रिप्लाई भी लगा देता हूँ जो इन्होंने रिप्लाई किए, हाँ उनको भी लगा दूंगी मैं, क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि डिलीट करना किसी का सॉल्यूशन होता है, उसका जवाब देना चाहिए, अगर वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो हमें जवाब देना चाहिए, अगर तुमको लगे तो जवाब देना चाहिए। मतलब इसका मतलब अगर हमको लग नहीं रहा तो तुम कूड़ा फेंको फूल फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे लगा कि इनका मुझे जवाब देना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो लोग अच्छे हैं देख रहे हैं वो तो हमेशा अच्छा ही कमेंट करते हैं, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान हो या मेंटली थोड़ा ठीक ठाक है, सोचते हैं अच्छा, सोचते हैं अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, चाहे कुछ भी दिख रहा हो उसका एक सही सेंस समझते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको कीड़ा है नेगेटिविटी का, उनको कुछ न कुछ गलत निकालना ही है, और कुछ अरे ये ऐसे क्यों चली गई, अरे अभी तो ये ऐसी थी वैसे क्यों चली गई, अरे ये क्यों, क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो एक एक लाल लाइन होती है वीडियो में, उसको ऐसे करो फिर वो जो बीच में कुछ बोल रहा था बंदा वो गया, फिर यहाँ आए अरे ये तो यहाँ पे तो काला सूट पहनी थी, यहाँ लाल सूट, अरे वो स्किप कर करके देख लेते हैं, तो स्किप कर करके, ठीक है, प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं है। और हाँ एक और बात बता देती हूँ मैं इसी ब्लॉग में, जिससे आगे मुझे कोई ब्लॉग ना बनाना पड़े, कि ब्लॉग मैं ना अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है अपनी यादों के लिए, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग देख लोगे,
जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो देखते हैं, बट कुछ कुछ लोग एक आध ब्लॉग देखते हैं तो देखते हैं, लेकिन मेरी यादों में वो हमेशा रहेंगे, मैं कभी भी उठा के उनको देख सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में जा रही हूँ मैं ब्लॉग बनाऊँ तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ब्लॉग को रखना चाहिए। जब हम खुशी में ब्लॉग बनाते हैं तो हम जब बीमार होते हैं तो क्यों ना ब्लॉग बनाएं। मेरी एक क्लासमेट थी, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, जब मेरी यहाँ पे तबीयत खराब हुई थी, आप मुझे खाना खिला रहे थे, लक्ष्य ने शूट किया था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं हमेशा खुशी की वीडियो बनाती थी, उस टाइम लक्ष्य ने बनाया और वो मैंने अपलोड कर दी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो उसने मुझे रिप्लाई किया जो मेरी क्लासमेट थी, फ्रेंड नहीं थी क्लोज बट क्लासमेट थी, कि वाह क्या बात है इस चीज का भी मतलब वीडियो। तो मैंने सिर्फ जवाब इतना दिया कि जब आप खुशी के पल अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकते हो तो जब आप दुखी हो, जब आप परेशान हो, जब आप तकलीफ में हो तो क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि खुशी की तो आप देख के खुश होते हो, लेकिन जब आप तकलीफ में होते हो तो वो भी तो याद करो कि हाँ हम उस टाइम पे तकलीफ में थे, मतलब कि उस टाइम पे हमारे पास मतलब कितनी तकलीफ में थे। ज्ञानी बाबा नहीं मतलब सच में, तो मुझे लगता है कि ना मैं अगर तकलीफ में हूँ तो मैं शूट करूँ आगे चल के, नहीं आगे चल के मैं हर चीज शूट करूंगी। अगर कोई मुझसे कुछ भी बोले फिर कि इसका भी शूट करती है उसका भी करती है, मुझे लगेगा कि ये चीज शूट करना चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। मैं अपने लिए करती हूँ, दूसरों के लिए नहीं करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं करती है इसलिए, जैसे कि दादी वाली बहुत सारी यादें हैं, चलो दादी चली गई हैं, चलो दुख मुझे बहुत होता है कि चलो उनकी एज थी वो चली गई और अच्छा हुआ समय से चली गई, ठीक है, लेकिन जो उनकी यादें हैं ना वो मेरे पास हमेशा रहेंगी, हमेशा मैं ब्लॉग देखती हूँ, मतलब तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो सब लोग यही बोलते हैं कि चलो तुम इतनी लकी हो कि दादी की यादें हैं तुम्हारे पास, तो ये यादें ना मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बनाती हूँ, बस और कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं हर चीज कैप्चर करती हूँ। ये बात जिससे शुरू हुई थी मैं उनको बता दूं, ये आपके लिए पर्सनली नहीं है, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको जो लगा आपने वो कमेंट कर दिया, लेकिन हमें जो लगा वो सच्चाई हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था। पहली बात तो ये है कि उसमें बहुत लेट ब्लॉक थे, 6 से 7 दिन का गैप था। दूसरी चीज, अगर गैप भी नहीं होता है तो आपका ये मानना बिल्कुल गलत है कि जो बंदा एक दिन पहले टेस्ट करा के आया है वो शाम तक भी घूमने नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का बीमार है। सर्जरी थोड़ी हुई थी यार मेरी, कोई ऑपरेशन तो हुआ नहीं था इनको, डायलेरिया मलेरिया लवेरिया घटेरिया भटेरिया तो हुआ नहीं था कि इनको डॉक्टर। अरे वो जिस दिन दिखा के आई थी उसी दिन कह रही थी गाजर का हलवा ले आपने देखा हो पुरानी वीडियो में, तो ऐसा नहीं है, मैं खा पी रही हूँ, सब कुछ अच्छा है। और हाँ रिपोर्ट्स में ख्याल रखो, और मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि रिपोर्ट्स मतलब टेस्ट करवाएं क्या है, तो रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है उसमें, तो उसकी दवाइयां मेरी चल रही हैं, और अभी मैं नेक्स्ट मंथ फिर जाऊंगी, अब 1 महीने की मैडम ने दवाई दे दी है, तो बस इतनी सी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है, जो मुझे पर्सनल कमेंट कर रहे थे कि आप कैसी हो, तो अब मैं अच्छी हूँ, अब मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, कम जाइए, जाइए तो मास्क लगाइए और थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि अभी कोरोना दोबारा आ गया है, तो ऐसा ना हो कि दोबारा से लॉकडाउन हो जाए, और सेकेंड वेव में बहुत कुछ परेशानियां आई थी, तो कृपया करके बच्चों को संभाल के रखें, खुद को संभाल के रखें, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो प्लीज करवा। मैंने तो दोनों करवा ली, इन्होंने भी करवा ली, लेकिन ये थोड़े से दुखी हैं आज, इनकी शक्ल देख के लग ही रहा होगा क्योंकि हमारी ऑफिस टेम्परेरी 10-8 दिन के लिए बंद हो गई है, इनकी ऑफिस और मुझे लगता है कि ये परमानेंट बंद हो जाएगी, तो इसलिए ये आप पर निर्भर है, कृपया करके घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन कराइए, इसलिए बोल रहे हो जिससे आप ऑफिस जा सकें। नहीं, मैं उनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरी ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, मैं ऑफिस तो छत से कर सकता हूँ, हवा में कर सकता हूँ, प्लेन में कर सकता हूँ, बस में कर सकता हूँ, टैक्सी में कर सकता हूँ, गांव में कर सकता हूँ, खेत में कर सकता हूँ। चलो चलो, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बुरा मत मानिएगा, जो था वो हमने आप लोगों से बोल दिया, और फिर आपको जो समझना है वो समझ लीजिएगा, ठीक है, मतलब खुलेआम धमकी, धमकी भैया, खुलेआम, अरे यार धमकी नहीं, ये गलत बात है, तो किसी की सोच नहीं बदल सकते ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इनको बाढ़ में जाने दीजिए, नहीं नहीं, किसी की सोच नहीं बदल सकते ना, अगर मैं बोलूंगी बदल अगर... सकते हैं, ये गलत, नहीं नहीं, किसी के दिमाग की सोच नहीं बदल, सोच बदल सकते हैं दिमाग, जब वाल्मीकि संत हो सकते हैं गुंडे से तो सोच बदल सकते हैं, जब अशोका का चरित्र बदल सकता है तो सबका बदल सकता है, तो यार उनकी सोच नहीं बदल सकते ना, वो एक वो भी पर्सन है, तो वो कौन थे, वो पेड़ थे,
आप, वो भी पर्सन थे, आप नहीं समझ रहे मेरी अंदर वाली। मेरा ज्ञानी बाबा जाग चुका है अभी, इनको नहीं, अगर इनका जाग गया तो आप लोग बोर हो जाओगे। बोर नहीं होंगे तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। बाय बाय। क्या यार तुम लोग कर रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाय बाय, चलो बाय, गुड नाइट।